दोस्तों राज कॉमिक में नागराज एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके सामने टिक पाना किसी भी विलेन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल बात है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या नागराज हमेशा से ही ऐसा था? क्या नागराज हमेशा से ही अपराध का खात्मा करने वाला नागराज था? आखिर नागराज की लाइफ किस किस कॉमिक ने बदली, आज इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉप 5 लाइफ चेंजिंग कॉमिक ऑफ नागराज को। दोस्तों राज कॉमिक में नागराज का सफर स्टार्ट हुआ था नागराज नाम की कॉमिक से, जहां हमें दिखाया गया कि नागराज एक अपराधी है जिसे नागमणि ने बनाया है। नागमणि ने नागराज को इस तरह ट्रेन किया कि वो दुनिया का सबसे तगड़ा हथियार बन सके, लेकिन नागराज से बाबा गोरखनाथ टकरा जाते हैं और उसे अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देते हैं। हम यह कह सकते हैं कि अगर बाबा गोरखनाथ नागराज से नहीं टकराते तो नागराज राज कॉमिक यूनिवर्स का सबसे खतरनाक विलेन बन जाता। इसके बाद नागराज पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपराध को मिटा रहा था कि वो पहुंच जाता है नागद्वीप पर, जहां पर विसर्पिका स्वयंवर चल रहा था। लेकिन नागराज बीच में कूद कर उस खतरनाक खून खराबे को रोक देता है, जिसका असर ये होता है कि विसर्पी उससे प्यार करने लगती है। अब विसर्पी और नागराज की शादी होने ही वाली थी कि तभी नागराज को वहाँ से जाना पड़ता है और नागराज की कभी ना होने वाली शादी का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसी कॉमिक से हमें उसकी अधूरी प्रेम कथा का आरंभ देखने को मिलता है। ये कॉमिक एक और तरह से खास है, क्योंकि इसी कॉमिक की वजह से नागराज दो टाइम लाइन में बढ़ जाता है, जहाँ एक तरफ वो बनता है विश्व रक्षक नागराज, तो वही दूसरी टाइम लाइन में वो बन जाता है आतंक हर्ता नागराज। इसके बाद भी नागराज की जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था, लेकिन खजाना कॉमिक में उसकी मुलाकात होती है बाबा वेदाचार्य और भारती से। इसी कॉमिक से हमारा सिंगल नागराज एक और प्रेमिका से मिलता है और वो उसे बहुत ही ज्यादा चालाकी से अपने ही घर में रहने को मना भी लेती है। इसी कॉमिक से नागराज महानगर में रहने लगता है, जहाँ अभी तक नागराज अपराधी को ढूंढ ढूंढ कर उसके घर में घुसकर मार रहा था, वहीं इसी कॉमिक के बाद से नागराज महानगर में बैठकर अपराधी का वेट करता है और उसको हराता है। महानगर वासियों को नागराज के महानगर में रहने से क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, ये जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर शो हो रही वीडियो पर क्लिक करें। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके बाद नागराज को एक के बाद एक पावर्स मिलती जा रही थी कि तभी उसको मिली एक ऐसी पावर जिसके बल बूते पर नागराज लगभग अजय हो जाता है। उस पावर का नाम है इच्छाधारी शक्ति, लेकिन नागराज उस पावर का भरपूर इस्तेमाल कर पाता उससे पहले ही इच्छाधारी कॉमिक में वो पावर उससे छीन ली गई। अगर नागराज के पास ये पावर रहती तो उसका पावर लेवल अलग ही मुकाम पर होता। अब नागराज के पास अलग अलग पावर भी आ रही थी, उसको एक के बाद एक दोस्त भी मिल रहे थे, लेकिन तभी उसको मिलती है एक साथ काफी सारे अमेजिंग पावर्स। और ये पावर्स उसको मिली थी वेनॉम कॉमिक में, जिसने नागराज को उड़ने तक की पावर को दे दिया। वेनॉम से ही नागराज अपनी पावर्स के पीक लेवल तक पहुंच गया। हम ऐसा कह सकते हैं कि वेनॉम से ही नागराज अब तक का सबसे ज्यादा पावर्स वाला नागराज बन गया। तो ये थी 5 ऐसी कॉमिक जिसमें नागराज की पूरी लाइफ चेंज करके रख दी। इनमें से एक भी कॉमिक अगर मिस कर दें तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये नागराज को हो क्या गया है। अगर एग्जांपल देकर समझाया जाए तो नागराज कॉमिक में हुए इंसिडेंट से ही नागराज को एक हीरो बनाया। विसर्पी की शादी ने दो टाइमलाइन में बांटा, जिसकी वजह से हमें आतंक हर्ता नागराज देखने को मिला। खजाना कॉमिक ने नागराज को रहने के लिए एक घर दिया, एक छत दी और जान न लेने की कसम खाने की प्रेरणा भी दी। इच्छाधारी कॉमिक ने नागराज की सबसे ज्यादा खतरनाक पावर को उससे छीन लिया, तो वेनॉम कॉमिक के बाद नागराज पूरी तरह से बदल गया और उसमें एक से बढ़कर एक पावर्स आ गईं। तो ये थी नागराज की जिंदगी को बदलने वाली कॉमिक। आपको क्या लगता है, हमें इस लिस्ट में और किस किस कॉमिक को शामिल करना चाहिए था, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप देखना चाहते हैं नागराज का ओरिजिन वो भी डिटेल्स में, तो आप लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि नागराज का हीलिंग फैक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है, तो आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।